यदि आप दो या दो से अधिक वीडियोस को एक साथ स्क्रीन पे देखना चाहते हैं विद सम एनिमेशन विद सम स्टाइल देन यू कैन यूज फिल्मोराज स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इस फंक्शन को यूज करके स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन बनाने के लिए आपको आना होगा स्प्लिट स्क्रीन टैब में और फिर लेफ्ट में सेलेक्ट करिए आप बेसिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन प्रीसेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रीसेट के ऊपर अगर आप माउस हवा करोगे तो एक एनिमेशन प्ले होता है और ये एनिमेशन तब भी प्ले होगा जब आप इसको यूज़ करोगे टाइमलाइन में। तो अप टू 6 क्लिप्स आप यूज़ कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन बनाने के लिए। जैसे कि आप ये वाला जो 24 वाला प्रीसेट है इसमें देख सकते हैं कि 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब स्क्रीन को आप 6 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 है और मिनिमम 2 है, 2 तो होने ही चाहिए। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी प्रीसेट को जो आपको यूज़ करना है उसे ड्रैग करिए टाइमलाइन में। ये देखिए आपने टाइमलाइन में ड्रैग कर लिया, यहाँ पे आपके पास 1 और 2 लिखा आ रहा है और एक एरो भी इसके साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दो पार्ट्स में स्क्रीन डिवाइडेड है। अब आप यहाँ पर क्लिप्स ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी हम सैम्पल वीडियो में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, इनमें से ही हम कुछ इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो जो पहले वाला है इसमें हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे 1 पे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी ड्रॉप कर देंगे। ज़रूरी नहीं आपको यही ड्रॉप करना है, आप अपना वीडियो यहाँ इम्पोर्ट कर लीजिए मीडिया लाइब्रेरी में और फिर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने दो पार्ट्स में तो बना लिया, मतलब कि दो क्लिप्स यहाँ प्रीव्यू विंडो में दिख रही हैं। अब इनका अगर आपको साइज़ या पोजीशन चेंज करनी है तो आपको क्लिक करना होगा। जब भी आप क्लिक करेंगे किसी पार्ट में तो वो हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक ये विंडो भी मिलती है छोटी सी, जिसको यूज़ करके हम इसके साइज़ और पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस के बटन्स हैं, तो जो इसका स्केल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर इस स्लाइडर को ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एडवांस विंडो ओपन होगी, जो इस एडवांस बटन पर क्लिक करके भी होती है, और वहाँ से हम एडवांस एडिटिंग कर सकते हैं अपनी स्प्लिट स्क्रीन की। नेक्स्ट है अगर आपको इसका जो अगर इसमें वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को अगर आपको म्यूट करना है देन यू कैन क्लिक ऑन दिस स्पीकर आइकन एंड द नेक्स्ट आइकन इज डिलीट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी क्लिप। इसी तरीके से जैसे आप दूसरी क्लिप को हाईलाइट करेंगे तो दूसरी क्लिप का स्केल भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हम हावर करते हैं माउस पॉइंटर किसी भी प्रीसेट के ऊपर तो वहाँ पे एक एनिमेशन प्ले होता है। अगर मैं इसको प्ले करूँ अभी फुटेज को तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट एनिमेशन यहाँ पे भी आपको दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि यह एनिमेशन ना प्ले हो तो आप इस चेकबॉक्स को डिसेबल कर दीजिए, इनेबल स्प्लिट स्क्रीन एनिमेशन। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो सीधा प्ले होगा, जो बाउंड्री है वो तो रहेगी बीच में क्योंकि स्प्लिट दिखाना है स्क्रीन को, लेकिन वो इनिशियल एनिमेशन नहीं प्ले होगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप इसको इनेबल रखिए, अदरवाइज आप इसको डिसेबल रखिए। अब यहाँ पे हम स्क्रीन में चेंज कर सकते हैं इसका पोजीशन एंड साइज। अब आप पूछेंगे कि अगर हमें ड्यूरेशन चेंज करना है तो वो कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए हमें एडवांस विंडो में आना पड़ेगा। और एडवांस विंडो में आने के लिए जैसे मैंने बताया ये बटन है, या यहाँ पर आप एडवांस्ड बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एडवांस्ड स्प्लिट स्क्रीन एडिट विंडो। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं और ये वही टैब हैं जो यहाँ पे भी आपको दिखते हैं, मीडिया वीडियो कलर एंड एनिमेशन, मीडिया वीडियो कलर एंड एनिमेशन। अगर आप कलर करेक्ट करना चाहते हैं या एनिमेशन देना चाहते हैं अपनी क्लिप को तो आपको वापस मेन विंडो में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी एडवांस स्प्लिट स्क्रीन एडिट विंडो से इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और क्लिप यहाँ ऐड करनी है देन यू कैन इम्पोर्ट मीडिया, जैसे कि आप मेन विंडो में मीडिया लाइब्रेरी से इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वीडियो, फिर है कला और फिर है एनिमेशन। ये सब हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं,
अगर इनमें से इन टैब्स में से कोई ऑप्शन आपको यूज़ करना है अपने क्लिप्स पे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें टाइमलाइन दिखती है, ट्रैवल वन एंड ट्रैवल टू जो हमने ड्रैग किए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ये ट्रैवल वन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटलाइन आ जाती है, हाईलाइटेड आउटलाइन आ जाती है, वैसे ही यहाँ ट्रैक में भी आ जाती है। अगर मैं ये वाली क्लिप सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप आउटलाइन देख सकते हैं, तो इधर से या ऊपर से आप कहीं से भी सेलेक्ट करें तो वह क्लिप हाईलाइटेड हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड प्लेबैक कंट्रोल्स हैं जैसे हम अभी तक देखते आए हैं, और यहाँ पे टाइमलाइन को जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं, और प्ले हेड भी हमारे पास है। अगर मुझे किसी भी क्लिप को ट्रिम करना है तो हम उसके एंड पे जाएंगे और उसको हम इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिएगा जब यहाँ पर माउस ये प्ले हेड रहेगा तब क्या होता है, यहाँ से आगे जब हो जाएगा तो नोटिस किया आपने, क्योंकि ये वाली क्लिप लंबी है तो ये तो प्ले होती रहेगी, लेकिन ये वाली जो छोटी क्लिप है वो तो यहीं पे ख़त्म हो गई, तो ये फ्रीज कैसे हो गया? यहाँ पे तो ब्लैक आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई फ्रेम नहीं रहता तो जो क्लिप है, जो आउटपुट है, वो ब्लैक आता है, ट्रांसपेरेंट आता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ है क्योंकि इधर आप नीचे देखेंगे तो हमारे पास एक चेक बॉक्स है जिसका नाम है फिट स्प्लिट स्क्रीन ड्यूरेशन ऑन द मेन टाइमलाइन। इसका मतलब क्या होगा? आपने ये इनेबल रखा तो जो लास्ट फ्रेम है वो फ्रीज हो जाएगा और वो कंटिन्यू करेगा जब तक यहाँ एनिमेशन ना पहुँच जाए, जो लंबी क्लिप है जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है उसके एंड तक ना पहुँच जाए। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़े तो ये भी फ्रीज हो गया। अगर आप नहीं चाहते ये हो तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें, देखिए यहाँ ब्लैक हो गया और यहाँ भी ब्लैक रहेगा जब तक कि आप इसके ऊपर प्ले हेड लेके नहीं जाओगे। देखिए तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि लास्ट वाला जो फ्रेम है वो फ्रीज रहे, तो आप इस तरह से इस चेकबॉक्स का यूज कर सकते हैं। एक बार आपने सारी सेटिंग्स कर ली यहाँ पर, देन जस्ट यू हैव टू क्लिक ओके। इससे पहले हम ओके करें, आपको अगर कोई और फुटेज भी डालनी है, रिप्लेस करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हम बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट करके भी कर सकते हैं, पर अभी हम सैम्पल वीडियोज़ को लेना चाहते हैं, ओके, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। तो एक ही बात है, आप कहीं से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं मीडिया में आता हूँ, सैम्पल वीडियोज़ में आता हूँ, और कोई भी क्लिप, फॉर एग्जांपल ट्रैवल 04, अगर मुझे ट्रैवल 02 को ट्रैवल 04 से रिप्लेस करना है, तो आई कैन सिंपली ड्रैग इट हियर, सिंपल चेंज हो जाएगी। यहाँ से मैं क्लिक एंड ड्रैग से आई कैन सेट इट्स पोजिशन एंड स्केल वैल्यूज, एंड देन अगर मुझे एडवांस एडिटिंग करनी है देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई एडवांस बटन आपको नहीं दिख रहा, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, वो विंडो ओपन होगी, एंड देन जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हम फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। और कोई कलर करेक्शन आपको करना है तो कलर में आइए, जैसे ये कलर इन्हांसमेंट, वाइट बैलेंस, 3D लट हम सब कुछ कर चुके हैं। अगर आपको कोई 3D लट अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टोन देना है, टोनल वैल्यूज़ को चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो इन्हांसमेंट करना है या वाइट बैलेंस देना है, तो क्योंकि हम इन सबको पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं तो अभी मैं इनमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपने अभी, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आप इस कोर्स को सीक्वेंस में लें, क्लास 1 से शुरू करें, जिससे आपको अच्छे तरह से समझ आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारे टैब्स डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं स्प्लिट स्क्रीन्स। आपने देखा आपके पास लगभग 30 प्रीसेट्स हैं जिनको यूज करके आप स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट बना सकते हैं। फिल्मोरा के ये इफेक्ट्स स्क्रीन को स्प्लिट करने का काम बहुत आसान कर देते हैं।